एक व्यक्ति ने एक मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? मुनि ने जवाब में कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। व्यक्ति बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुशी देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही तुम्हारी बहन को गुजारा करना पड़ेगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? मुनि ने जवाब में पूछा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, हाँ हुई है। मुनि ने कहा, तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। शादी के कुछ दिनों के बाद एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, यह तेरे पुत्र के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है, किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं।